ध्यान दें, हमारे सामने एक टॉपिक है और वो है सेंटेंस। सेंटेंस को जब हम शुरू करते हैं तो उसका सबसे छोटा यूनिट वर्ड होता है और वर्ड का छोटा यूनिट लेटर होता है। लेटर जब हम ए बी सी डी को किसी भी तरह बिना सीरियल नंबर, बिना सीरियल के, बिना उसके क्रम के रख दें तो वो लेटर कहलाता है, जबकि जब हम उसे ए टू जेड में ले जाते हैं तो वो अल्फाबेट कहलाता है। लेटर को जब हम मीनिंगफुल अंदाज में सजा देते हैं, डेकोरेट कर देते हैं, सजा देते हैं, तो ये वर्ड बनाता है। और वर्ड्स लोग पढ़ाने वाले ये कहते हैं कि व्याकरण इम्पॉर्टेंट है, मगर यहाँ फिर से एक बात वही आ रही है सामने कि वर्ड, ये वर्ड ही है जो ग्रामर को भी चलाता है। अगर वर्ड ना हो तो ग्रामर का कोई वजूद नहीं है। लेकिन ये वर्ड्स इतने करिश्माई होते हैं, इतने मैजिकल होते हैं कि हम इन्हें शब्दों में जोड़कर, हम इसे, इन शब्दों को आपस में जोड़कर एक खूबसूरत सी रचना कर डालते हैं। इससे सेंटेंस बनता है और सेंटेंस से फिर कहानियां बनती हैं, कविताएं बनती हैं, नाटक बनते हैं, उपन्यास बनते हैं। ये शब्द है जो कि किसी भाषा को चलाता है, वो भाषा अंग्रेजी हो या कोई और हो। आइए यहां देखते हैं कि सेंटेंस एक्चुअली क्या है। तो सेंटेंस कहते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब सीधी सी बात है कि अगर हम राम इज ए बॉय लिखते हैं तो ये वाक्य है, मगर उसी को अगर ऐसे लिखा जाए राम अ बॉय इज, तो ये कभी वाक्य नहीं हुआ, क्योंकि ये अपना कोई भी मीनिंग नहीं दे पा रहा है। अब वाक्य को क्रमवार हम लोग कई हिस्से में बांटते हैं। पहला हिस्सा होता है असर्टिव। जब हम कोई असर्टिव, जब कोई सेंटेंस, कोई स्टेटमेंट देता है या किसी बात को जोर डाल कर कहता है तो वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे राम इज वर्किंग हार्ड। अब इसमें इसके दूसरे हिस्से भी हो सकते हैं, इसको हम चाहें तो दो पार्ट में बांट सकते हैं। अगर राम इज वर्किंग हार्ड तो राम ये अफर्मेटिव में जाएगा, जबकि हम इसे अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो राम इज नॉट वर्किंग हार्ड, ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। वेल, तो इसके दो हिस्से हुए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा, दुनिया का सबसे आसान काम वो है सवाल पूछना। इत्तेफाक, अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो आप ये मत समझे वो बेवकूफ है, क्योंकि वो इतने सवाल पूछ सकता है कि आपको परेशान कर सकता है। और ये सवाल पूछने का जिम्मा वाक्य में जिसके अंदर है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो सवाल पूछता है, और सवाल दो तरह के होते हैं, आमतौर पर दो तरह के होते हैं। एक यस नो क्वेश्चन होता है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स और वर्ब बी से बनता है। दूसरा WH क्वेश्चन होता है। यहाँ सामने पड़ा हुआ एग्जाम्पल आपका WH क्वेश्चन से है, वाई आर यू साइलेंट। बस चलिए इसको हम एक यस नो क्वेश्चन में दूसरा सेंटेंस प्रोड्यूस करते हैं, और एक सिंपल सा सेंटेंस, इज ही ऑनेस्ट। ये दो वाक्य हुए, ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं, दो तरह के वाक्य आपके सामने आए। और तीसरा और खूबसूरत सा हिस्सा इसका वो इंपरेटिव कहलाता है।
ए सेंटेंस दैट मेक्स कमांड और एंट्रीटी इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। यहां देखिए कमांड है, ऑर्डर है, एंट्रीटी है इत्यादि। जस्ट यू टेक द एग्जाम्पल, और उदाहरण के लिए आप ऐसे लेते हैं, कम हियर, कम हियर, गो देयर, प्लीज हेल्प मी इत्यादि। अगला हिस्सा होता है ऑप्टेटिव का। ऑप्टेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस दैट मेक्स और दैट एक्सप्रेसेस विश और ब्लेसिंग, विश ब्लेसिंग और कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, May you live long. Well, इसका आखिरी हिस्सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को देख पाते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग feeling is called exclamatory sentence। Example, alas I am ruined। अगर इसकी शाब्दिक अर्थ लें, अगर इसकी हिंदी मीनिंग को लें, तो इसका मतलब होता है हाय मैं लुट गया। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ब्रेवो, वेल डन, just what a man, etc. Well, साधारणतः वाक्य के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट।
जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक वाक्य का एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है और बाकी के हिस्से उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ हमें बताते हैं, वो प्रेडिकेट कहलाता है। आइए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उदाहरण के तौर पर इसको तोड़ना सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक आपके सामने एक सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस को आप ब्रेक कीजिए, तोड़िए और इसको हिस्से में बांटिए। अब आप देखेंगे कि अगर आप हिस्से लगाएंगे तो सबसे पहले आई अलग होगा और ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है, जबकि बाकी का हिस्सा गो टू पटना, ये जो है एक ये प्रेडिकेट कहलाता है, क्योंकि ये इसका काम है कि कर्ता के बारे में ये डिटेल करे कि सब्जेक्ट की क्या स्थिति है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, अ स्टोन वॉल्स ए स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन। अगर इस वाक्य को देखिए, यहां पर ए स्टोन वॉल को आपको तोड़ के अलग करना होगा। स्टोन वॉल ये सब्जेक्ट हो जाएगा, जबकि वाक्य का बाकी हिस्सा डू नॉट मेक ए प्रिजन, बाकी हिस्सा प्रेडिकेट का होगा। उधर का काम खत्म हो गया तो हटा लें। लिख रहे हैं आप लोग, लिखे। कुछ वाक्य होंगे जिन्हें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के फॉर्म में अलग कर लें। द क्रेकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। देखिएगा, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट अस। तुबलकेन वॉज ए मैन ऑफ माइट। Come here. Thank you. और इसे तोड़ कर रखिए, फिर अगली बार देखा जाएगा, इसके आंसर दिए जाएंगे। ओके।